जीत भी है, अभी जीत हुई है आपकी। और सर आपने क्या कहना चाहेंगे समर्थकों के लिए? सर सर्वप्रथम मैं बेगूसराय खगड़िया की पवित्र धरती को नमन करता हूँ, साथ साथ अपने आदरणीय पिताजी पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री रामायण प्रसाद सिंह, स्वर्गीय माताजी श्रीमती बिंदु सिंह, छोटे भाई डॉक्टर संजीव कुमार प्रवक्ता के माननीय विधायक हैं, उन सबों का आशीर्वाद और सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। और बेगूसराय खगड़िया के तमाम पंचायत के प्रतिनिधि, मैं उन्हें भी दिल के गहराई से नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सुम्मी से उन्होंने मुझे चुना है, मैं उसे हर क्षण हर पल उनकी सेवा में बिताऊंगा। जो जो उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के बारे में मैं दिन रात काम करूंगा। मुख्यतः जो मेरा दो चार पांच संकल्प है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी, उनके पेंशन की व्यवस्था, उनके सुरक्षा के लिए जिन लोगों को आवश्यकता है प्रतिनिधि को सबको हथियार का लाइसेंस दिलवाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे लाइसेंस की प्रक्रिया सरल करें। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं, क्या जदयू के और भाजपा की तरफ से भी वोट आपको मिले हैं? मैं बताना चाहूँगा, मुझे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस आए, जनता दल यू, बीजेपी, आरजेडी, सीपीआई, सबों के कार्यकर्ता तथा जितने प्रतिनिधि उस पार्टी से संबंधित हैं, सबों ने मुझे खुल के अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जब गिनती मतगणना हो रही थी तब क्या फील कर रहे थे? उस समय उतार चढ़ाव तो हो रही होगी। उतार चढ़ाव तो होना ही था। चलिए, हो गया, धन्यवाद।